अर्जित अभी भी ट्राई कर रहे हैं, देखते देखते एक और हेडशॉट एंड सिंपल को यहाँ पे टेक डाउन किया गया ऑन द रन सोल वाइपर आते हुए मैक्स कश को सीधा नॉक एंड कंफर्म करते हुए देखने में शायद यहाँ पर कार फिसल गई, दोनों की कार फिसल थी तो शायद यहाँ पर फाइट हमें देखने को मिल सकते, बट इसी बीच सोल ने भी फाइट इनिशिएट कर दी है। फाइनली देखिए इनिशियल पिक तो उनको ऑलरेडी टीम फॉरएवर के रूप में मैक्स कश के रूप में मिल चुका था, लेकिन अब यहाँ पर बाकी टीम से भी फाइट ले रहे हैं यहाँ पर न केवल टीम नंबर 20 साथ साथ यहाँ पर टीम नंबर 6 यानी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के भी खिलाड़ियों के साथ पर फाइट ली जा रही है। डैमेज जरूर दिया गया था बट अब मेन फाइट हमें देखने को मिल पाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर एक नॉकआउट भी देखने को मिलता हुआ सैगी यहाँ पर पंक को नॉकआउट करते हुए। अगर हम बात करें रॉक्स की और दो खिलाड़ी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की फिलहाल के नजर आ, लेकिन क्या ये दो ही खिलाड़ी है? जी नहीं, यहाँ पर एक तरीके से हम बात करें तो 4v4 की फाइट हो सकती है यहाँ पर। देखा जाए 4v4 की फाइट थोड़ी और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के डार्क ऑलरेडी टेक डाउन हो चुके हैं, रिवाइवल का मौका उनको मिल जा रहा है, टाइम उनको मिल रहा है। टीम सोल के लिए देखा जाए 1-3 का स्प्लिट रहेगा, एक प्लेयर जो आगे है उनके ऊपर यहाँ पे नजरें बनी जरूर रहेगी। स्लेयर विद द राइट हैंड साइड एंगल, आइकॉनिक विद द लेफ्ट हैंड साइड एंगल, मुश्किल वो बनाने वाले वीरू को। यहाँ पे सीधा स्लेयर ऑफ एंगल से टेक डाउन करेगी, सीधा फिनिश ऑफ किया जाएगा टीम सोल के लिए। यहाँ पे पहला झटका था और रॉक्स को भी यहाँ पे टेक डाउन किया गया, युवा के ऊपर प्रेशर बनता जरूर जाएगा। एक प्लेयर को टेक डाउन किया गया, वाइपर कम्स अप डार्क को यहाँ पे नॉक करते हुए जरूर देखने मिले जरूर, बट एट द सेम मोमेंट टीम सोल अभी बस दो प्लेयर बचे हुए, अभी के लिए रॉक्स का रिवाइवल बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। साथ ही साथ ग्लोबल ईस्पोर्ट्स भी अपनी तरफ से डार्क को जरूर रिवाइव देने की कोशिश करेंगे। दुआन की टाइमिंग देखी वहां पर, ग्रेट कुक करके ला रखे थे, उनको पता था कि उसके रिच के बिहाइंड पे वहां पर रिवाइवल दिया जा रहा है। अब वाइपर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, क्या यहां पर एक बेहतरीन क्लच निकाल सकता है स्मोक के जरिए? देखिए डिस्ट्रैक्शन वहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं, विजन कंप्लीटली ब्लॉक है, अब यहां पर रुकना नहीं है। अगर रिवाइवल के रुक जाएंगे तो सांगवान बिल्कुल उस चीज के लिए तैयार है, गाड़ी के पीछे है, प्री फायर करना पड़ेगा और वही स्ट्रेटजी आगे बढ़ भी रहे, लेकिन क्या ये क्लच पॉसिबल हो पाएगी? क्योंकि अब जो वाइपर खेल रहे हैं वो यही है कि नॉक एंड फिनिश ऑफ किया जा सके, बट अब ये रिलोड में पर फंस जाएंगे और तीनों के तीनों खिलाड़ी एक ही के ऊपर भारी पड़ते हुए काफी अच्छा ट्राई वहां पर वाइपर के द्वारा। अगर एक और खिलाड़ी